तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, क्वेरीज ऑन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि यू आर गिवन अ मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन एन इंटू एन। हमारे पास एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन की, ऑल सेल्स आर इनिशियली जीरो। इनिशियली क्या है, सारे सेल्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, और एक क्वेरी दे रखा है क्यू विच कंटेन फोर इंटीजर। अब इस क्वेरी में जैसे ये क्वेरी है ना, इसमें चार इंटीजर है। ठीक है, 4, 0। तो पहले जो है ए बी, यानी पहला जो दो इंटीजर है ए बी, वो क्या बता रहे हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट बता रहा है सेल को। एंड सी डी जो बता रहा है टॉप राइट, टॉप राइट सेल ऑफ अ सब मैट्रिक्स। सब मैट इस लाइन का क्या मतलब, देखो जो बताता हूँ। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स बना दिया कि एन की वैल्यू 4 था, क्यू की वैल्यू क्या है 2 है, और ये क्वेरी दे रखी है। ठीक है, तो एन इक्वल टू 4 के लिए क्या बनेगा, 4x4 मैट्रिक्स। तो देखो ये 4x4 का मैंने बना दिया, 4x4। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन क्या कह रहा था कि जो ये क्वेरी का जो पहले दो एलिमेंट है, यानी ये क्या होगा इनिशियली टॉप राइट, टॉप राइट के देखो जाए मैट्रिक्स में ये 0, 0 क्या होगा इस सेल में, ये वाला पोर्शन। ठीक है, और टॉप राइट होगा, यानी ये सबसे पहला मैट्रिक्स यहाँ से स्टार्ट होगा टॉप राइट। ठीक, मैट्रिक्स ऐसे ही होता है, देखो टॉप राइट से कुछ बॉटम लेफ्ट तक, यहाँ तक ऐसे ऐसे होता है ना मैट्रिक्स। ठीक है, और 3, 3 क्या दे रखा है, यानी सी डी जो है बॉटम राइट, बॉटम राइट मतलब 3, 3 कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, यानी हमारा सब मैट्रिक्स पूरा ही आ गया, ये सेलेक्ट कर दिया हमने सब मैट्रिक्स, ये पूरा सब मैट्रिक्स सेलेक्ट हो गया, एक सब मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स के अंदर का ही मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे तो इसमें पूरा आ गया, लेकिन और केस हो सकती है इसमें सब आए, जैसे ये देखो 0, 0, 0, 0 कौन सा है, एक मिनट में पूछेगा, 0, 0 ये सेल है, और 2, 2 क्या होगा, देखो 2, 2 यानी ये वाला हो गया। तो ये एक मैट्रिक्स बन गया, देखो सब, इसलिए सब मैट्रिक्स कह रहे, देखो ये मैट्रिक्स बन गया ना, अरे यार थोड़ा सा राइटिंग में ध्यान दो। ठीक है, ये सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑल द सेल्स इन द सब मैट्रिक्स कैन बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। अब जो ये सब मैट्रिक्स आया, इसमें जो भी सेल्स है, यानी सबको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। पहले क्या था, ये 0, उसमें 1 ऐड करना है, जो भी प्रीवियस वैल्यू थी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1, सबको 1 कर दिया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आफ्टर ऑल क्वेरी, तो ऐसे ही सब क्वेरी के लिए करना है। जैसे देखो पहला क्वेरी 6 है ना इसके अंदर, तो पहले पहले के लिए इसके लिए होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो भी आएगा सबको 0 कर देंगे, फिर इसके लिए, इसके लिए, ऐसे सबके लिए करना है। ठीक है भैया, फिर लास्ट में कुछ मैट्रिक्स की वैल्यू आई होगी, वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल जो नीचे दे रखा है इसको समझा देता हूँ, ये एग्जाम्पल जो है। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या कह रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इनिशियली देखो हमारा सब मैट्रिक्स क्या आएगा, देखो पहले क्वेरी क्या है, 0, 0, 0, 0 ये है। ठीक है, 3, 3 क्या है, ये वाला। तो इनके बीच में जितने एलिमेंट है सबको क्या करना है, 1 करना है, यानी पूरे मैट्रिक्स में। तो ये 1 हो गया। ठीक है, तो ये मैंने 1, 1 लिख दिया, देखो सब 1 हो गया ना, क्योंकि इनिशियली 0 था तो सब मैट्रिक्स में सर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस क्वेरी को प्रोसेस कर लिया। ठीक है, अब नई क्वेरी क्या है, ये वाला क्वेरी। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या थी, देखो ए है, ए ये बी है, यानी ये 0, 0 से स्टार्ट करना है। यही था ना कि पहले जो दो डिजिट होंगे वो क्या बताएंगे, टॉप टॉप लेफ्ट की वैल्यू, तो यानी 0, 0 से स्टार्ट करो। देखो 0, 0 कौन सा सेल है, ये वाला। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 2, 2 तक, 2, 2 क्या है, ये वाला। तो इसके बीच का जो सब मैट्रिक्स क्या आया, बीच का सब मैट्रिक्स ये आया, ये इसमें जितने भी एलिमेंट है उनको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, तो ये मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद ये क्वेरी भी खत्म हो गया। क्या अब ये कोई क्वेरी बच गया है, नहीं बचा। तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स क्या होगा, देखो 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, तो इस तरह से दिखना चाहिए। देखो फाइनल मैट्रिक्स मैच करो जरा, तो ये आ रहा ना, 2, 2 हो गया ये, और बाकी सारे 1 हो गए। तो यही है, यही हमें करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप क्या हो सकते हैं, इसका ब्रूट फोर्स देखा जाए। देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेरी का, एक मिनट में लिख के दिखाता हूँ,
ठीक है। तो सिंपल अप्रोच क्या होगा इसमें कि एक फॉर लूप चलाएंगे क्वेरी के साइज तक, ठीक है, साइज तक चलाएंगे। अब उसमें चार चीजें हमें मिलेगा, देखो जीरो आई कॉमा जीरो, यानी अगर मैं मान लो साइज तक चलाऊंगा ना, जीरो आई की वैल्यू जीरो होगा इनिशियली, और इसका साइज देखो कितना है, टू तक जाएगा। तो जीरो पे जो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, देखो ये जीरो वाला रो है ना, रो तक चलाएंगे जीरो, और ये फर्स्ट रो है, ठीक है। तो जब हम जीरो वाले रो पे होंगे तो हमें चार चीज़ें मिलेगी, जीरो जीरो थ्री थ्री। तो पहली चीज़ क्या बता रहा है, ए बता रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बता रहा है, बी बता रहा है। तीसरी चीज़ क्या बता रहा है, सी और डी, ठीक है। तो इनिशियली हमारा जो मैट्रिक्स है वो इस रो से स्टार्ट होगा, है ना, ये ए कॉमा सी से जा रहा है ना, देखो ए कॉमा सी से कहाँ तक जाएगा, ए कॉमा सी से हमारे पास ये मैट्रिक्स कहाँ तक जाएगा, सी कॉमा डी तक, यही कहा गया ना क्वेश्चन में, सी कॉमा डी। यानी अगर मैं इस क्वेरी की बात करूँ यहाँ से और यहाँ तक, इन सब के अंदर जो भी बीच में आ रहा है उसे हमें फिल करना है वन से, ठीक है। तो इनिशियल रो क्या है ये, और फाइनल रो क्या है ये, इनिशियली कॉलम क्या है ये, और ये क्या है फाइनल कॉलम, ये है, तो इसको फिल करना है। देखो इसको कोड करते हैं ब्रूट फोर्स वाले मेथड से। तो हमें आंसर में क्या देना है, वेक्टर और वेक्टर। तो इसको पहले आंसर इसी टाइप का बनाना पड़ेगा, तो ये आ गया आंसर। इसको इनिशियलाइज करना है, देखो पहले इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसे समझ लो 2D में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कितने रो है इसके अंदर, तो इनिशियली रो कितने हैं, देखो n है, ठीक है। फिर हम कॉलम में क्या बना रहे हैं, कॉलम में क्या आ रहा है, उसमें भी एक वेक्टर ही आ रहा है। देखो अगर यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जीरो थ रो है, उसके लिए एक वेक्टर ही आ रहा है ना, एक कॉलम के लिए इतने बड़ा वेक्टर आ गया, चार एलिमेंट वाला, तो एक वेक्टर टाइप हो गया, ठीक है। और उस सबको क्या फिल कर देना है, जीरो। देखो सबसे पहले ये रो लिखते हैं, इसको रो कहते हैं, ठीक है। फिर कैसे कॉलम का टाइप क्या है, वेक्टर है, वेक्टर इंटीजर। फिर उसके बाद उसकी साइज लिखते हैं, साइज कितना है कॉलम का बताओ, एन है, ठीक है। और फिर जो वैल्यू हमें इनिशियलाइज करना है वो डालते हैं जीरो। तो ये हो गया 2D वेक्टर, 2D मैट्रिक्स बनाते हैं ना जैसे, वैसे ये 2D वेक्टर का डिक्लेरेशन है। ये बताता है हमें कि ये रो कितने हैं उसमें, ये बताता है कि कॉलम कितने हैं, ठीक है, और ये बताता है कि उसकी इनिशियलाइज किससे कराया गया, सारे को जीरो डाल दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, एक फोर लूप चलाएंगे इंटीजर आई इक्वल टू जीरो से, और इनिशियली साइज कहाँ तक ले जाएंगे बताओ, क्वेरी के साइज तक ना, इस क्वेरी को साइज तक जाएंगे। तो आई जो है लेस देन होगा क्वेरी डॉट साइज के साइज तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखो हमें चार चीजें मिल रही थी, एक इंटीजर ए मिल रहा था, ए क्या था बताओ, क्वेरी ऑफ आई कॉमा जीरो, जीरो था एलिमेंट, देखो चार एलिमेंट है ना, तो पहला एलिमेंट जीरो थे इंडेक्स पे होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या मिल रही थी, इंटीजर बी इक्वल टू क्वेरी ऑफ आई फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है। फिर इंटीजर सी मिल रहा था, यही हो रहा है ना, देखो एक इस एक पर्टिकुलर में कितने चार एलिमेंट है, तो इसलिए मैंने कहा कि पहला एलिमेंट वो क्या होगा, कॉलम क्या होगा इसका बताओ, जीरो तो कॉलम होगा ना, फिर दूसरे का क्या होगा, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कॉलम तो फिक्स है कि जीरो से लेकर थ्री तक ही होगा, ठीक है। बदल क्या रहा है रो, जैसे इसमें देखो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका साइज क्या था, छः था क्वेरी का, एक में दिखाओ जरा, सिक्स साइज का है, ठीक है। तो कॉलम देखो ये इसमें तो चार ही एलिमेंट है, इसमें भी चार है, लेकिन बदल क्या रहा है, ये वाला साइज आई बदल रहा है, तो इसलिए मैंने कहा कि आई का जीरो वाला ये होगा ये। अब फिर क्या करते थे बताओ, हमें रो कहाँ से कहाँ तक लेना था, रो लेना था ए से सी तक, ए टू सी, अच्छा कॉलम क्या लेना था, पहले रो का लिख देता हूँ फोर इंटीजर, अब इसको जे मान लो, अब इनिशियली रो कौन सा, ए यही था ना, कि हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट में यहाँ तक जाना है ना। तो ये क्या है, देखो इनिशियली रो क्या है, ए, और जाना कहाँ तक है, सी तक, तो यही लिखेंगे ए तक है, और जे कहाँ तक जाएगा, इक्वल टू लेस देन सी तक, जे प्लस प्लस,
ठीक है, ये तो हो गया रो की बात। कॉलम की बात करते हैं, कॉलम कहाँ से कहाँ तक है? देखो कॉलम की वैल्यू क्या है, सी से डी तक जाना है हमें, यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो सी से स्टार्ट कर दो। तो एक फोर लूप चल गया, अब इसमें क्योंकि आई जे ले चुके हैं तो के मान लो। सी से के लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जा रहे हैं, सी से नहीं सॉरी बी से डी तक जा रहे हैं। के प्लस प्लस हम कर क्या रहे हैं फिर, कि जिस भी अभी एलिमेंट पे यानी क्वेरी ऑफ जे कॉमा के को क्या कर देने, प्लस इक्वल टू वन एक ऐड कर रहे हैं। कि सपोज करो पहले हम यहाँ पे थे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसकी जो पहली वैल्यू थी उसमें एक से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यही मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो आंसर आया उसे रिटर्न कर दो। तो रिटर्न आंसर, तो इसको अब रन करते हैं। तो उसमें कुछ गड़बड़ आ गया, सोचो कहाँ पे गलती हुआ होगा। आई जीरो से स्टार्ट किया क्वेरी के साइज तक, आई प्लस प्लस जीरो से, अब ए से लेकर के सी तक हमारा रो है, ए से सी तक रो है, ठीक है, और यहाँ से बी से लेकर के डी तक है, ठीक है, जे कॉमा के पहले की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। अच्छा, गलती आ रही है यार, क्या कर रहा है, हमें फाइनल आंसर तो क्वेरी में थोड़ी चेंज करना है, कुछ आंसर में करना है ना। देखो हमने आंसर नाम का वेक्टर लिया ना आंसर स्टोर के लिए, ठीक है, अब करो। ठीक है, करेक्ट आ गया, इसको सबमिट करोगे ना तो भी कुछ एरर नहीं आएगा, क्योंकि बताऊंगा इसमें भी ये भी एन स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा इससे भी ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे। ठीक है, अब ज़रा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना कैसे मैं निकालता हूँ इसकी। देखो पहला लूप क्या चल रहा है, पहला लूप चल रहा है जीरो से क्वेरी तक, ठीक है, तो इसका साइज कितना होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेरी के साइज तक, यानी इसकी वैल्यू अगर क्यू है, क्यू दे रखा है ना, क्यू मान सकते हो सर क्यू, ठीक है, पहला लूप क्या आ गया क्यू तक, तो इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्स पहला देखो क्या चल रहा है, पहला लूप जो है ये कहाँ तक चल रहा है, क्वेरी के साइज तक, क्वेरी का साइज हम लेट सपोज क्यू ले लेते हैं, क्यू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है ना जब मल्टीपल लूप होता है, ठीक है, ये कितना मैक्सिमम चल सकता है, देखो सी माइनस ए इतने एलिमेंट मैक्सिमम हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये हो गया इसका सी माइनस ए, ठीक है, और ये लूप कितनी बार चल रहा है, देखो ये लूप बी से स्टार्ट हो गया डी तक जा रहे हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए, डी माइनस बी, तो इसको यहाँ लिखा डी माइनस बी, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए की जो वैल्यू है, ए और सी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एन एन माइनस वन तक जा सकती है, ठीक है, बी डी भी एन माइनस वन, तो मैं मान लेता हूँ कि जो ए की वैल्यू है वो जीरो है, क्योंकि हम सबसे वर्स्ट केस का चेक करते हैं ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो सी और डी की वैल्यू क्या मान लेता हूँ, एन तक चली गई, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्यू स्टार, अब मैंने कहा कि ए मान लो ए का साइज जीरो है वर्स्ट केस में और इंटू सी, तो ये हो जाएगा ए इंटू सी इंटू डी, मैक्सिमम तो यही आएगा इसका, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा कि क्यू, क्योंकि क्यू की वैल्यू कांस्टेंट ही है एक तरह से मान सकते हो, एक से 1000 हमें पता है वैसे, तो क्यू कांस्टेंट हो गया, और सी सी मैक्सिमम कितने तक जा सकता है, एन माइनस वन तक, तो एन माइनस वन को एन ले लो क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट में चलता है एन, तो ये क्या आ गया क्यू इंटू एन स्क्वायर एन की पावर टू, ठीक है, एन स्क्वायर, देखो एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, क्यू यहाँ पे कांस्टेंट भी है, क्या इससे बेटर हो सकता है, क्यू से कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इससे और भी अच्छे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं कैसे करेंगे, क्यू कांस्टेंट है ना, तो इसलिए ये एन स्क्वायर भी एक्सेप्टेबल है, इसलिए इसमें टीएलई नहीं मारा, ठीक है, तो इसके अलावा देखो क्या सोच सकते हैं, तो एक अप्रोच है उसे ध्यान से समझना, फिर उसके बाद देखते हैं। फिर देखो दूसरा अप्रोच क्या है, कि जैसे मान लो यहाँ पे क्वेरी क्या है, जीरो कॉमा जीरो, यानी जीरो कॉमा जीरो से हमें कहाँ जाना है, थ्री कॉमा थ्री,
मल्टीपल लूप को अवॉइड करने के लिए ये मेथड बता रहा हूँ, समझ सकते हो तेरे कि मान लो इसमें क्यू की क्यू भी वेरिएबल होता, यानी यहाँ तो बता दिया कि कौन 1 से 1000 तक है क्यू, इसकी ज़रूरत क्या है इसको सॉल्यूशन की, क्यू की वैल्यू कहाँ है, क्यू भी अगर ये 1 से 1000 नहीं होता यानी 1 से n अगर कह देता वो, तो क्या हो जाता उस केस में, हमें इसे ऑप्टिमाइज करना होता क्योंकि ये क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी n हो सकता था तो n की क्यूब हो जाता, तो ये ऑप्टिमल नहीं है। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, इस रो से स्टार्ट करना है यानी इससे 0 0 से स्टार्ट हो गया यहाँ तक, तो इस अप्रोच में हम क्या करेंगे पहले, क्योंकि इसमें बाउंड्री के बाहर जा रहा है, छोटा वाला समझा दो, जैसे 0,0 से 2,2, देखो 0,0 ये वाला है, अच्छा 2,2 कौन सा आएगा, ये वाला है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा पहला कॉलम है यानी ये वाला बी वाला कॉलम, उसको सबको क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, तो ये सब ये 1 हो गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, और जो लास्ट कॉलम क्या होगा डी वाला, उसके नेक्स्ट वाले को -1 कर दो, यानी लास्ट कॉलम इसके लिए तो सेकंड कॉलम है, देखो इस वाले के लिए इस क्वेरी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सेकंड वाला उसके नेक्स्ट क्या है ये, तो इसको क्या कर दो -1 -1। ठीक है, -1 कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, देखो हमें जाना था कहाँ से, देखो 0,0 से 2,2, तो हमने कहा सबसे पहले कौन सा इनिशियल कॉलम है उसको 1 कर दो, तो 1 कर दिया इंक्रीमेंट। ठीक है, और जो लास्ट कॉलम से नेक्स्ट कॉलम क्या है, ये वाला है थर्ड वाला, तो इसको -1 कर दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब हम स्टार्ट, क्योंकि ये कॉलम ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे यानी 0,1 से स्टार्ट करेंगे। अब क्या है, पिछले से इसको ऐड करेंगे, देखो इसकी वैल्यू क्या है 0, पीछे की क्या है 1, तो सम क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ गया, नेक्स्ट वाले पे गए हम, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 पे आए, इसके प्रीवियस का सम क्या है 1, उसमें इसकी वैल्यू सम करूंगा तो क्या होगा 1 हो गया। ठीक है, अब इस वाले पे आए, इसके प्रीवियस का वैल्यू क्या है 1 और इसकी वैल्यू क्या है -1, तो ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आए, क्योंकि आप तो बाहर चले गए ना, तो इस पे आएंगे, इसका इस वाले से स्टार्ट करते हैं हमेशा, इस वाले फर्स्ट वाले से, है ना, तो देखो इसकी वैल्यू क्या है 0, पीछे वाले का क्या है 1, तो सम क्या आ जाएगा 1। ठीक है, फिर इस पे गए, इसके पीछे वाले की वैल्यू क्या है 1, इसका क्या है 0, तो ये 1 हो गया। ठीक है, इस पे आए, इसके पीछे वाले का सम क्या है 1 और इसका क्या है -1, तो ये 0 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इस पे आए, इस वाले के पीछे का सम क्या है, इसके पीछे का सम 1 है और इसका सम क्या है 0, दोनों का सम क्या हो गया 1, इसका भी 1 हो गया और इसका 0। तो देखो इसमें भी हमने क्या किया, देखो हमने हमारा सेल यही था ना, इसको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, तो हमारा ये क्वेरी क्या कह रहा था कि 0,0 से 2,2 में सब में क्या करो, पीछे जितनी वैल्यू थी उसको इंक्रीमेंट कर दो। देखो वही हो गया ना, पहले क्या था ये 0,0 से 2,2 यही है, पहले 0 था, अब देखो वो सबकी वैल्यू 1 हो चुकी है और बाकी हमने दूसरे एरे में देखो जो वैल्यू था वही आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज़ किया हमने कि जो जिस कॉलम से जा रहे हैं, इसे डायरेक्ट करना बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, तो जिस कॉलम से जा रहे हैं उसको फिल कर दो 1 से और लास्ट वाले को 1, तो इससे क्या होगा कि प्रीवियस से जब हम सम करेंगे तो ये भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है, और क्योंकि इस वाले को हमने एक्स्ट्रा -1 डाला था तो वो कैसे हटेगा, इसमें सम कर दिया पीछे वाले से, देखो ऑलरेडी वो 0 हो जाएगा, तो ये कॉन्सेप्ट का यूज है। तो इसका आप कोड में डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो तो लंबा हो गया है। ठीक है, तो उसको मैं दिखाता हूँ, तो देखो ये उसका कोड है, सबसे पहले वही डिक्लेरेशन तो मैंने बता दिया था कैसे करेंगे, इसमें इसका आंसर मैं आंसर कर देता हूँ ना, नाम पिछले वाले में आंसर आंसर था आंसर, जहाँ जहाँ मैट्रिक्स था हमने तो आंसर डिक्लेयर किया था, आंसर आंसर। ये क्यों कर रहा हूँ, ये देखो कहीं कंफ्यूजन हो, हमने यहाँ पे देखो जो पिछले मेथड किया था, हमने आंसर लिया था ना वेक्टर को जिसमें हम स्टोर करा रहे थे, तो इसमें भी हमने आंसर कर दिया। ठीक है, पहला जो है क्वेरी के लिए चलेगा, ठीक है, उसमें 4 वैल्यू आएगी ABCD। ठीक है, हमने किधर को क्या करा इसमें, कर क्या रहे थे कि जो कॉलम आ रहा है यानी ये जो सी है, सी से कॉलम क्या है, देखो सी से हम डी जा रहे हैं ना, यहाँ देखो सी से डी जा रहे हैं, तो सी वाले कॉलम को क्या कर दो +1, सी वाले कॉलम को 1 कर दिया,
और जो लास्ट कॉलम है उसके एक नेक्स्ट कॉलम को क्या कर दो, -1। तो देखो ध्यान से फिल कर दो, क्या बीएथ नहीं है, सीएथ आएगा, सॉरी सीएथ कॉलम को क्या कर दो +1 से, एक से इंक्रीमेंट कर दो। तो ये क्या आएगा, बी को हमने फिक्स कर दिया। बी फिक्स क्यों करा, देखो 0, इस रो तो फिक्स ही होगा ना, देखो जैसे क्या कह रहा हूँ, ये 0,0 है, तो यानी रो क्या है, 0 ही रहेगा। हमने क्या किया, इसको मैं दोबारा से हटाता हूँ, देखो तो रो क्या हम फिक्स करें ना, ये रो था 0 से रो, तो 0 तो रो, रो देखो ये फिक्स ही है ना, सॉरी कॉलम फिक्स है, यानी ये 0 फिक्स है, और बदल क्या रहा है, ये वाला रो जो पहले 0 था, रो था उसको हमने 1 किया, फिर फर्स्ट रो को, फिर सेकेंड रो को, तो वही हमने यहाँ किया। देखो जे यानी सॉरी इस वाले में था, जे इक्वल टू ए से, यानी इनिशियली ए से वो सी तक जा रहा है, यानी रो बढ़ रहा है, और कॉलम हमेशा बी ही है, देखो बी है ना, बी एथ कॉलम, अच्छा बी एथ ही आएगा फिर, तो बी एथ कॉलम ठीक है। और उसके बाद लास्ट +1, जो लास्ट कॉलम क्या आएगा इसमें, लास्ट कॉलम आएगा डी उसके नेक्स्ट वाले, तो उसके लिए पहले चेक भी करना होगा ना कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। क्या कहना चाहते, जैसे 3,3 होता तो 3 का नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा बताओ, ये 3,3 है, इसका नेक्स्ट तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो उस केस में हमें फिल करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो वही चेक करा लिया कि अरे यार बार बार, अगर ये डी +1 की वैल्यू एन से छोटा है, यानी एग्जिस्ट करता है वो कॉलम, तो उसको -1 कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे थे, देखो उसके बाद हम कर रहे थे यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, तो ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा बताओ। इनिशियली कॉलम जो है 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और रो किसने से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और नीचे जा रहा है, और कॉलम यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो वही लिखना है यहाँ, रो 0 से है कहाँ तक, एन तक, और कॉलम 1 से है। फिर हम क्या कर रहे थे, जो भी आंसर आ रहा है प्रीवियस आंसर ऑफ आई जे, वो क्या कर रहे थे, इसकी वैल्यू प्लस जो इसके पीछे वाले की वैल्यू है, यानी जैसे हमें इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या कर रहे थे, इसका क्या वैल्यू है प्लस इसकी जो वैल्यू है, इन दोनों का सम कर दो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले को फिल करना है, तो इसके पीछे वाले का 1 है और इसका क्या है, 0, तो ये 1 हो जाएगा, तो यही हमने लिखा, ठीक है। तो आंसर ऑफ आई जे इज इक्वल टू आंसर ऑफ आई और जे -1। तो सिर्फ कॉलम में चेंज करा ना हमने, कि रो तो भैया देखो इसके रो में जा रहे हैं, बस पीछे वाला कॉलम हमने चेंज किया, तो इसलिए एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आंसर को रिटर्न कर दिया, इसको करके कंपाइल, ठीक है चल गया, सबमिट भी कर सकते हो। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो कैसे, उससे बेटर है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, ये लूप कितनी बार चलेगा, ए से सी तक, यानी सी माइनस ए, ठीक है सी माइनस ए। अब सी माइनस ए की जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो पहले देखो ये क्या होगा, सी माइनस ए, ये पहला लूप चला, अब क्योंकि नेक्स्ट लूप इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए प्लस करा, ये यहाँ तक क्या होगी, सी माइनस ए, ठीक है। अब ये लूप कितनी बार चला है, वर्स्ट केस में क्या मान सकते हो, कि ये एन तक जाएगा और ये भी एन -1 तक और ये भी एन -1 तक, तो दोनों का क्या होगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, यानी ओ ऑफ एन की पावर 2, ये आ गया, ठीक है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, देखो बड़ा कौन सा है, ओ ऑफ एन स्क्वायर है, तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ओ ऑफ एन, क्योंकि बड़ा है, क्योंकि तो ए और सी की जो रीच है वो एन तक जा सकती है, तो ये मान लो ये अगर एन भी होता, तो एन प्लस एन स्क्वायर में कौन सा बड़ा डिजिट है डोमिनेट करेगा, एन स्क्वायर, तो इसलिए एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस एन स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि तो हमने एक वेक्टर बनाया जो 2D है, वो स्पेस उतना लेगा, ठीक है। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, थैंक यू।